नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, रेलवे ने अपने एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी रेलवे के जो 15 दिसंबर से आप लोग के सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम है वो अभी टेंटेटिव डेट्स रखी गई हैं, वो 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रखी गई हैं। तो कौन से एग्जाम की रखी गई हैं, आप लोगों को सबसे पहले आना होगा आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर। तो 30 तारीख की ही अपडेट में आप लोग को सबसे ऊपर नोटिस मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इंडिकेटिव नोटिस फॉर द शेड्यूल ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन वेरियस कैटेगरीज इन मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड में। तो आप लोग का जो मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरीज के जो एग्जाम होने थे, जो कैटेगरी नंबर 3/2019 था, उसका एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो शेड्यूल क्या है एग्जाम का वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये नोटिस है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, कैटेगरी नंबर 3/2019, रिक्रूटमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसके अंदर 30 कैटेगरीज के नोटिफिकेशन जारी किया गया था कैटेगरी नंबर 3/2019 के अंदर। इसका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा और एग्ज़ाम आप लोगों का 23 दिसंबर तक रहेगा। यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर पॉइंट पर क्लियरली मेंशन किया है। साथ में देखिए, 2 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो आप लोग का एप्लीकेशन स्टेटस लिंक था वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और ये आप लोग का 20 अक्टूबर तक आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लिया होगा। इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, उसका डेट इन्होंने बताई है 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। और जो आप लोग के एडमिट कार्ड है और ट्रैवलिंग पास है वो आप लोग के 10 डेज प्रायर द एग्जामिनेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग वेबसाइट से जाकर। और आप लोग के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, ईकॉल लेटर 4 डेज प्रायर फ्रॉम सीबीटी एग्जामिनेशन, उससे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग का स्टेटस क्या है एग्जाम का होने वाला है, लेकिन एडमिट कार्ड आप लोगों को 4 दिन पहले उपलब्ध हो जाएगा वेबसाइट से। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई गई है। सबसे पहले आप लोग के एग्जाम होंगे वो मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरीज के होंगे और ये कंफर्म हो चुका है 15 दिसंबर से आप लोग के एग्जाम है। इसके तुरंत बाद ही एनटीपीसी के आप लोग के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और एनटीपीसी के एग्जाम के बाद आरआरसी ग्रुप डी के आप लोग के एग्जाम होंगे, जो आप लोग के मार्च तक आप लोग कंडक्ट कराएंगे जाएंगे। आप लोग का मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर कम वैकेंसीज थी और कम पोस्ट फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, इस कारण से इसका एग्जाम पहले हो रहा है और 15 से 23 दिसंबर तक इसके एग्जाम समाप्त हो रहे हैं। और 23 दिसंबर के बाद आप लोग का एनटीपीसी कैटेगरीज के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत जल्द आप लोग का एनटीपीसी कैटेगरीज के रिगार्डिंग में नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग की टेंटेटिव डेट बताई गई होगी। और आरआरसी ग्रुप डी वालों का जो एग्जाम एनटीपीसी के बाद शुरू होंगे, ये लगभग आप लोग के मार्च के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन रखिएगा एनटीपीसी की कैटेगरीज के लिए, ग्रुप डी की कैटेगरीज के लिए, आप मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग का एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और 23 दिसंबर तक आप लोग के सीबीटी टायर 1 है। तो ये था आप लोग का रेलवे के एग्जाम से रिगार्डिंग नोटिस, 30 तारीख का नोटिस था, अभी की अपडेट थी। और बाकी आप लोग ने अगर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर टाइप अपडेट आप लोग हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीधा की अपडेट के साथ, जब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।